हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांस स्टार्टर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 17 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मूवीज की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये 17 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मूवीज कौन सी हैं, इनमें से कितनी सोलो हीरो और कितनी मल्टी स्टारर मूवीज हैं, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ सांस स्टार्टर्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलें व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1966 में रिलीज होने वाली मूवी आखिरी खत से किया था और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म रही थी। और 1967 में तीन मूवीज में दिखाई दिए थे राजेश खन्ना सर, जिनमें से रास एवरी रही थी, बहारों के सपने सुपरहिट रही थी और 1967 में रिलीज होने वाली मूवी औरत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और 1968 में राजेश खन्ना सर सिर्फ एक मूवी श्रीमान जी में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और फिर उनके करियर में आता है साल 1969 का और यहाँ से कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मूवीज का आगाज होता है राजेश खन्ना सर की मूवीज का, जिनमें सबसे पहले आने वाली मूवी का नाम है आराधना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल और अभि भट्टाचार्य इस फिल्म का हिस्सा रहते हैं। और आराधना एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.6 स्टार दिए जाते हैं। और ये फिल्म 7 नवंबर 1969 को रिलीज होती है। 58 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए थे और फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में थे 17 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पर आराधना एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। राजेश खन्ना सर के करियर की दूसरी सक्सेसफुल फिल्म रहती है दो रास्ते। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और बिंदु इस फिल्म का हिस्सा रहते हैं। और यह फिल्म 5 दिसंबर 1969 को रिलीज होती है। दो रास्ते भी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7 स्टार दिए जाते हैं। 80 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 6 करोड़ 50 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर दो रास्ते एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। राजेश खन्ना सर की तीसरी सक्सेसफुल फिल्म रहती है बंधन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नरेंद्र बेदी ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, जीवन, कन्हैया लाल, राजेंद्र नाथ और अरुणा ईरानी फिल्म का हिस्सा रहती हैं। और ये फिल्म साल 1969 को रिलीज होती है। बंधन एक म्यूजिकल फैमिली ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.1 स्टार दिए जाते हैं। 60 लाख के बजट वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 40 लाख के कलेक्शन किए थे। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़ 90 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर बंधन एक हिट फिल्म साबित होती है। राजेश खन्ना सर की चौथी कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मूवी का नाम है इत्तेफाक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा सर ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नंदा, बिंदु, इफ्तिखार और मदनपुरी शामिल होते हैं। यह फिल्म 10 अक्टूबर 1969 को रिलीज होती है। इत्तेफाक एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिल मूवी होती है जिसे IMDb 10 में से 7.4 स्टार दिए जाते हैं। 50 लाख के बजट में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 1 करोड़ 75 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर इत्तेफाक एक सीमा हिट फिल्म साबित होती है। राजेश खन्ना सर की पांचवी कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है डोली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अदूर्ति सुब्बा राव ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना सर, बबीता, प्रेम चोपड़ा, नाजिमा और नाना पलसेकर शामिल थे। यह फिल्म 14 नवंबर 1969 को रिलीज होती है। डोली भी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.2 स्टार दिए जाते हैं। 55 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़ 25 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर डोली एक सीमा हिट फिल्म साबित होती है। राजेश खन्ना सर की छठी कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है दिल ट्रेन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रविकांत नगाइस ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नंदा, हेलन, राजेंद्र नाथ, इफ्तिखार और मदन पुरी शामिल होते हैं। यह फिल्म 24 अप्रैल 1970 को रिलीज होती है। दि ट्रेन एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री मूवी होती है जिसे IMDb 10 में से 6.5 स्टार दिए जाते हैं। 50 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 5 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पर दि ट्रेन एक अबव एवरेज मूवी रहती है। राजेश खन्ना सर के करियर की सातवीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म है सफर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आसिद सीन ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अरुणा ईरानी और नादिरा शामिल होते हैं। यह फिल्म 31 जुलाई 1970 को रिलीज होती है। सफर भी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.3 स्टार दिए जाते हैं। 55 से 60 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़ 85 लाख। और बॉक्स ऑफिस पर सफर एक हिट फिल्म साबित होती है। राजेश खन्ना सर की आठवीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है खामोशी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आसिद सीन ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, इफ्तिखार और ललिता पवार शामिल होते हैं। धर्मेंद्र सर इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं। और ये फिल्म 25 अप्रैल 1970 को रिलीज होती है। खामोशी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.7 स्टार दिए जाते हैं। और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होती है।
राजेश खन्ना सर की नवी कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, फरियाल, विनोद खन्ना शामिल होते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देते हैं और ये फिल्म 1 मई 1970 को रिलीज होती है। सच्चा झूठा एक एक्शन कॉमेडी थ्रिल मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए जाते हैं। 75 से 80 लाख के बजट बनी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ की कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 5.25 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर सच्चा झूठा एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। राजेश खन्ना सर की 10वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है आ मिलो सजना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुकेश दत्त ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना सर, आशा पारेख, विनोद खन्ना नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, निरूपा रॉय और सुजीत कुमार इस फिल्म का हिस्सा रहते हैं। ये फिल्म 24 दिसंबर 1970 को रिलीज होती है। आ मिलो सजना एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए जाते हैं। 80 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2.50 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 4.85 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर आ मिलो सजना एक सुपर हिट फिल्म होती है। राजेश खन्ना सर की 11वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है कड़ी पतंग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु और नाजिर हुसैन शामिल होते हैं। ये फिल्म 29 जनवरी 1971 को रिलीज होती है। कड़ी पतंग एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.2 स्टार दिए जाते हैं। 1 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1.90 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 3.85 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कड़ी पतंग एक हिट फिल्म साबित होती है। ऑलवर सुपर स्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 12वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मूवी का नाम है महबूब की मेहंदी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था H.S. रावल ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, लीना चंदवारकर, प्रदीप कुमार, इफ्तिखार, गुरमान सिंह और मुमताज बेगम शामिल होते हैं। यह फिल्म 19 फरवरी 1971 को रिलीज होती है। महबूब की मेहंदी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.7 स्टार दिए जाते हैं। 70 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 170 लाख और बॉक्स ऑफिस पर महबूब की मेहंदी एक एवरेज मूवी साबित होती है। सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 13वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है आनंद। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमिता सन्याल, रमेश देव और ललिता पवार शामिल होते हैं। यह फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज होती है और आनंद एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 8.8 स्टार दिए जाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सर सपोर्टिंग कैरेक्टर में होते हैं, हीरो का कैरेक्टर नहीं होता। आनंद मूवी की बात करें तो एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए जाते हैं। 50 लाख के बजट बनी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 98 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 1.70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर आनंद एक सीमी हिट फिल्म साबित होती है और ये एक्टिंग के लिहाज से सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही है। ऑल ओवर सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 14वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है अंदाज। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिपी ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शमी कपूर, हिमा मालिनी, सिमी गरीवाल और अरुणा ईरानी शामिल होते हैं और यह फिल्म 30 अप्रैल 1971 को रिलीज होती है। अंदाज मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.7 स्टार दिए जाते हैं। 75 लाख के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 3.80 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर अंदाज एक हिट फिल्म साबित होती है और ये पहली फिल्म रहती है जिसमें सोलो हीरो नहीं होते हैं राजेश खन्ना सर, इनके साथ शमी कपूर भी लीड एक्टर और लीड हीरो के कैरेक्टर में अंदाज मूवी में दिखाई देते हैं। सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 15वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था M.A. थिरुमुगम ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना सर, तनुजा, के एन सिंह, मदन पुरी और महमूद जूनियर शामिल होते हैं। यह फिल्म 1 मई 1971 को रिलीज होती है। हाथी मेरे साथी एक फैमिली म्यूजिकल ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.9 स्टार दिए जाते हैं। 1 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.50 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 6.95 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर हाथी मेरे साथी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। ऑलवर सुपरस्टार एक्टर राजेश खन्ना सर की 16वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है छोटी बहू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था KB तिलक ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना सर, शर्मिला टैगोर, निरूपा रॉय और शशि कला शामिल होते हैं। सारिका भी इस फिल्म में दिखाई देती हैं। यह फिल्म 22 मई 1971 को रिलीज होती है। छोटी बहू एक फैमिली ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए जाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होती है। और राजेश खन्ना सर के करियर की 17वीं कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्म का नाम है मर्यादा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अराबिन सीन ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार, राजेश खन्ना, माला सिन्हा और प्राण शामिल होते हैं। यह फिल्म 28 मई 1971 को रिलीज होती है और मर्यादा एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी रहती है जिसे IMDb 10 में से 7.1 स्टार दिए जाते हैं। 1 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 4.40 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर मर्यादा एक हिट फिल्म साबित होती है और ये
राजेश खन्ना सर के करियर की कंजेक्टिव 17वीं सक्सेसफुल फिल्म रहती है और मर्यादा दूसरी फिल्म रहती है जिसमें राजेश खन्ना के साथ लीड एक्टर के तौर पर राजकुमार सर दिखाई देते हैं और इससे पहले अंदाज मूवी में शमी कपूर सर लीड एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना के साथ हमें दिखाई दिए थे। तो इन 17 कंजेक्टिव सक्सेसफुल फिल्म में अंदाज और मर्यादा ये दो वो मूवीज हैं जिनमें राजेश खन्ना सर सोलो हीरो नहीं थे, बाकी सभी मूवीज में उन्होंने सोलो हीरो के तौर पर काम किया है। और अब हम जिक्र करेंगे बदनाम फरिश्ते मूवी का जिसे डायरेक्ट किया था कवि नरवी ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, यश टंडन शामिल होते हैं और यह फिल्म 1971 को रिलीज होती है। और बदनाम फरिश्ते एक कोर्ट क्राइम ड्रामा मूवी रहती है जिसे आईएमडीबी 10 में से 6 स्टार दिए जाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर बदनाम फरिश्ते एक फ्लॉप फिल्म रहती है। तो यूं 18वीं मूवी बदनाम फरिश्ते राजेश खन्ना सर के करियर में आती है और एक फ्लॉप फिल्म रहती है। तो यूं कंजेक्यूटिव 17 सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद बिलआखिर बदनाम फरिश्ते 18वीं वो मूवी रहती है जो कि बॉक्स इस बार फ्लॉप लेके कंजेक्टिव सक्सेसफुल मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है। तो इवर लगभग 53 से 54 साल हो गए हैं राजेश खन्ना सर की कंजेक्टिव 17 सक्सेसफुल मूवीज के रिकॉर्ड को और अब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर इस सक्सेसफुल फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कंजेक्टिव सक्सेसफुल फिल्में सिर्फ 3 साल के अंदर में राजेश खन्ना सर ने दी थी 1969 से लेकर 1971 के दरमियान। और अगर सम किया जाए तो तकरीबन 2.5 साल के अंदर ये 17 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर सक्सेसफुल कंजेक्यूटिव 17 मूवीज 2.5 साल के अंदर दे सकता है। तो ये राजेश खन्ना सर की इन 17 कंजेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्मों में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 5 सक्सेसफुल मूवीज जो कि कंजेक्यूटिव लिस्ट में आज मौजूद हैं कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल में एहसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।